और नीरज भाई कैसे हो? बस बहुत बढ़िया भाई। और कैसा रहा आपका बाहर का टूर? भाई बिल्कुल मजा आ गया। चलो आप क्या नहीं खुशी में ना, आज मैं पार्टी दूंगा। अरे पार्टी तू क्या देगा, पार्टी मैं दूंगा तेरे को यार। आप दोगे क्यों? वो देख वाह नीरज भाई, तुमने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। अरे शादी नहीं करी भाई, गर्लफ्रेंड है और शादी भी जल्दी ही कर लेंगे। चलो कुछ खिला तो दे। हाँ चल। अच्छा सुल्तान सुन, बोलो भैया। जिस काम के लिए बाहर गया था वो काम तो हो गया सक्सेसफुल, अब मैं चाहता हूँ उसी काम को मैं इंडिया में भी करूँ और उसके लिए मैंने फाइल बनाई है, तो उसको आराम से पढ़ लियो। अच्छा तो इसको ना पढ़ लियो आराम से और कल घर पे आ जाइयो, और बाकी अब मैं थक गया हूँ तो यार चलते हैं कल, ठीक है चले। अरे आ गया तू? हाँ जी भैया। फाइल पढ़ ली तूने? भैया मैंने पूरी फाइल पढ़ ली, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ये, तो हम इस पर काम स्टार्ट कर देना। डन कर दो भैया। अच्छा सुने, अबे काक हो गया? अरे वो बहुत दिन बाद है ना, तो आपका घर देख रहा हूँ। चलो फिर चलते हैं, तुम्हें मैं दिखाता हूँ प्रोजेक्ट। देख सुल्तान, ये है अपना प्रोजेक्ट जिस पे मैंने अपना सारा पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया, और अब ये हम दोनों ने ही संभालना है। चल फिर करते हैं इस पे जल्दी काम, अब चल घूम के आते हैं। ठीक है भैया। एक मिनट में आपको मेरे फोन आ रहे हैं, ठीक है? हेलो, आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आपको अर्जेंटली वापस आना पड़ेगा साइन करने के लिए। चलो ठीक है। अरे यार सुन,
मैंने ना कुछ अर्जेंट काम से ना मुझे बाहर जाना पड़ रहा है, तो यहाँ का काम तू संभाल लियो, तुम्हें तो कोई भी दिक्कत हो ना तो मुझे फ़ोन कर लियो। ठीक है भाई, मैं सब संभाल लूँगा। सुल्तान, तुम कोई काम था? हाँ। लेकिन नीरज तो यहाँ पे है नहीं, तुम्हें तो पता ही, बाहर गए हैं। काम देर से है, नीरज नहीं है तो क्या हो गया? मैं तो हूँ। सॉरी, जब नीरज हो तब आ जाना। देख, मैं ना तुझे पसंद करता हूँ और नीरज को ना इस बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। वैसे तू भी मुझे लाइक करती है, मुझे पता है। वैसे मेरे रंग से ज़्यादा गोरा रंग तो तेरा है। नीरज तुझ पे इतना भरोसा करता है, तुझे बिजनेस में पार्टनर भी बनाया और तू उसी के साथ धोखाधड़ी कर रहा है। इंसानियत बची है तेरे में या नहीं? अगर नीरज को पता चल गया ना तो सोच भी नहीं सकता कि वो तेरा क्या हाल करेगा। तो बेहतर यही है कि यहाँ से निकल जा, समझा? अरे क्या हुआ? कुछ नहीं। तो इतनी शांत क्यों बैठी हुई तू? हाँ बोलो। तुम ना सुल्तान से दूर रहा करो, मुझे वो सही नहीं लगता। वो इस कदर मुझे घूरता है, मुझे उसकी नीयत साफ नहीं लगती यार। पागल है क्या तू? मेरा बचपन का दोस्त है यार, जरूर तुझे ना कोई गलत फहमी होगी। वो ऐसा कर ही नहीं सकता। नीरज, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। तू एक काम कर, वहां बैठ, मैं सामने से पानी लेके आता हूँ। ठीक है? किसी ने ना सही कहा है कि कुत्ते की दुम में कभी सीधी नहीं होती। तेरे को जब चाटा मारे तेरे को तब भी शर्म नहीं आती? अरे नहीं आती शर्म, और अभी भी ना कुछ नहीं बिगड़ा, सब ठीक हो सकता है। नीरज को कुछ भी नहीं पता चलेगा। खुद से ज्यादा भरोसा तुझ पे किया था, पर दिखा दी ना तूने अपनी औकात। ये सही कहती थी, तेरे जैसे इंसान से दूर रहूं, पर मैं ही पागल था जो इसको समझाता रहा कि सुल्तान ऐसा नहीं कर सकता। और हाँ, आज के बाद हमारी दोस्ती खत्म, चले आते। नीरज। हाँ। यार क्यों सुल्तान की वजह से अपना मूड ऑफ कर रखा है? और तुम्हें क्या इतना, हम किसी की वजह से अपना मूड क्यों ऑफ करें? फिर तुम ऐसे कर रहे हो। लेकिन यार वो सुल्तान। लेकिन कुछ नहीं, चलो।
लव यू। अब तो मूड ठीक है ना? हाँ। तो चले फिर। कहाँ? मेरे पेट में बहुत तेज चूहे कूद रहे हैं, तो खाना खाने चले। चल। जब भी तुम्हारे साथ होती हूँ ना, मैं बहुत खुश होती हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। ये ले, हेलमेट पहन ले और अपना ध्यान रखियो। किसे पूछूं है ऐसा क्यों बेजुबान सा ये जहां है। खुशी के पल कहाँ ढूंढूं। हेलो, मुझे तुमसे मिलना है। हाँ डेलिशा, क्यों बुलाया मुझे? ये सब कैसे हुआ? इसे छोड़ो यार सुल्तान, मुझे प्लीज माफ कर दो। मैंने तुम्हारे प्यार की कभी कदर नहीं की, पर जब से नीरज गया है ना, मुझे एहसास हो गया कि मैं से सिर्फ और सिर्फ तुम प्यार करते हो। अब से जैसा तुम कहोगे ना, मैं वैसा ही करूंगी। सही है, देर है दुरुस्त है, तुझे पता तो चला मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ। क्या हुआ? लेकिन यार एक प्रॉब्लम है। पता? यार मैं जब भी घर से बाहर निकलती हूँ ना, एक लड़का मेरा हमेशा पीछा करता है और मुझे उससे बहुत डर लगता है। नाम बता उसका। यार मुझे नाम वाम तो नहीं पता, पर मुझे उससे बहुत डर लगता है। वो हमेशा मेरे बाइक से पीछा करते रहता है। सिंपल है, तू ना उसकी बाइक की ना ब्रेक फेल कर दे, ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। ठीक वैसे ना जैसे तूने नीरज की बाइक की थी। जैसे इंसान को ना इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। डेलिशा मुझे माफ कर।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा फेवरेट है और मेरे चैनल नीरज बैनीवाल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और जो जो हमसे जुड़ना चाहता है वो मुझे इंस्टा पे फॉलो करे और मैसेज करे और यार इस वीडियो को फैला दो। लव यू गाइस, बाय।